अच्छा जी, ये अम्मी बनाने लगी है जर्दा। अस्सलाम वालेकुम। खोया कैसी है? तबीयत तो खैर बहुत ख़राब है। हाथ इनके सूजे हुए हैं अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा प्यारा सा जो कुक था वज़ीर, वो ज़रा पदार गया है, थोड़ा छुट्टी पे चला गया है। तो हम ज़रा उसकी याद में आज अम्मी ने कहा मैं खुद खाना बनाऊँगी। तो अम्मी, ये खोया है? ये खोया जर्दे का, ये मिठाई है। मिठाई है और वो बाकी वहाँ पे कल सुम और उसकी बड़ी बहन आई हुई है। कल सुम तो खैर काम करने आती है, तो उनकी बड़ी बहन आज आई हुई है और वो बना रही है जर्दा। अम्मी बना रही है जर्दा। जर्दे में क्या क्या डलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक अदद देख गई आ गई है। हाँ हाँ हाँ, गर्म है, इसको भी खोलूँगी नहीं। तो चिकन बिरयानी है, ये आ चुकी है। तो इसके बाद 8 kg की है, उसमें आई थिंक 12 किलो जो भी है गोश्त डला हुआ है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे बन रहा है जर्दा। और ये देखें जर्दा कलर, अभी चावल बॉयल किए जा रहे हैं, ये देखें। ओए होए 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 होए, ये हमारी मकसूद आपी है। अस्सलाम वालेकुम। ये धो रही है पिस्ते बादाम, ये देखें जी, ये देखें। इसको निकाल देंगे, सब इस पर डालेंगे। तो इन्होंने सफाइयाँ शफाइयाँ कर ली है, बहुत शदीद वाली यहाँ पर आवाज़ आ रही है। और ये माशाल्लाह जर्दा बन रहा है जो अम्मी बनाएंगी। और अभी चावल बॉयल हो रहे हैं, ये हो जाएंगे, जब की शक्ल फाइनली हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। कहती मैं तुम्हें टिकटॉक पे देख, नहीं बुढ़े नहीं, पीछे वाला हम सीन नहीं करते, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ये देखो बहुत मुश्किल केस है ये मुझे लग रहा है मुझे में भागे जा रहा है। खैर, ये हमारी कल सुबह, कल सुबह मुबारक को बहुत बहुत 12 रुपये। किस चीज़ की मुबारक मैं दे रही हूँ बता? हाँ, मेरे को शायद तुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रोज़ाना काम पर आती है, इसके लिए तो रोज़ाना ही कोई दिन नहीं, खाना दिन काम का है। खैर चलो, देख आ गई है। क्या मतलब? अच्छा, हम इनको तस्वीरें दिखाता है, बताता है। जब भी मैं पीछे मुड़े जा रही हूँ, हमारा बिरयानी वाला आता है, फिर वो हमको बड़ी तस्वीरें दिखाता है। खैर, अम्मी बना रही है अभी, थोड़े इसके जो लवाजमात इसके अंदर डलते हैं वो तैयार कर रही हैं। अम्मी शदीद वाली है, लेकिन बीमार है, मेरा भाई भी बहुत बीमार है, तो आधे लोग जाग रहे हैं आधे सो चुके हैं। गंदी मंदी ये नहीं, रिजॉर्ट मेकअप, बाल बांधे हुए और चप्पू चप्पू सी लग रही हूँ मैं। ये हमारी खोलेंगे, ठंडी हो जाएगी। हाँ, बिरयानी बाद में दिखाएंगे, तेरी बिरयानी तो दिखाओ अभी। तो अभी हम लोग शाम में तैयार भी होंगे, हम शाम में तैयार होंगे, अभी थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं। इसने मुझे पराठा बहुत अच्छा बना के दिया सुबह, बहुत मजे का पलो वाला पराठा बनाती है। सुबह हमें कह रही है सुबह ने दो बजे नाश्ता किया है, कबीली बता रही मेरे पोल खोल रही है जी। 2 बजे मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद इसका खाना कितने बजे होगा? मैं अभी बिरयानी खाऊंगी, बिरयानी जरदार खाऊंगी मिक्स करके। यस, चलो जी, ये हम इसके बाद लगाएंगे रात का व्यू और खाने का व्यू जब जरदार बिरयानी बन जाएगी। यही तक के लिए थी ये वीडियो, और यही तक की थी, इसमें ऐड भी करूंगी रात को, जब अभी बिरयानी जरदा बनेगा तो उसको उसके साथ अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद फिर इसको रात के साथ हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, वो सब लगाऊंगी। रात को हमें जाना है शरबत खाने, भाभी की तरफ भी जाने के। क्या की बदी? मैं बना ले, अम्मी मैं बना लेती हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं खाने बना लेती हूँ, लेकिन बना देती हूँ जर्दा ही बना। अच्छा, मैंने जर्दा कभी बनाया नहीं है, खीर बनाई है मैंने। हाँ, मतलब मैं जर्दा अम्मी बनाती है तो हमेशा अम्मी के हाथ के हमने खाया है जर्दा, हमेशा अम्मी बनाती है इसलिए। तो बाकी हमें पता नहीं है ये लोग नहीं, तो जब चावल बनेंगे ना फिर खोलेंगे ढक्कन, अभी ढक्कन खोलेंगे तो ठंडा हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ का ढक्कन पहले नहीं खोलते। मैं इसे बहुत मासी बनी हुई हूँ, देखिए कहते ना रियल लोगों की जो वीडियो देखते ना अक्सर होता है जी, वो कोई इतने फिल्टर लगा रहे होते, फिल्टर लगा के लड़की का असली चेहरा ही पता नहीं चलता कि वो सब है कैसी। जब आप उसके सामने मिलने जाए या कभी देखे तो कहते बाजी तू, तो वो अलग हिसाब किताब हो जाता है। इसलिए जैसे हो वैसे ही नजर आओ, किसी ने आपसे आपसे प्यार करना है, जो आप आपको चाहता है वो आपको वैसे भी चाहेगा। खैर, यहाँ से अम्मी कुछ कह रही है, अंदर चलते हैं।
जी को खाना नहीं आता है, मुझे खाना नहीं आता। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। तुम्हें खाना नहीं आता? मुझे खाना नहीं आता, बताए। तू बता जरा, जल्दी बता। खाना सबसे अच्छा होता है अम्मी के हाथ की तरह, है ना? बनाती कमू पर सब बनाती हूँ। अम्मी के बराबर हम सब बनाते सारे। तूने खाया नहीं है बस, देखा? ये तो कह रहे खाया नहीं, हमारे गवाह देने वाले बैठे। तो आप आधी साल में एक दफा, तो एक में साल दफा जब आओगी तो आपको खाना हम क्या खिलाएंगे टूटू? अल्लाह करे उससे भी बहुत अच्छा बना। हाँ मैं बना लेती हूँ, तो ये गवाह है इस बात की कि खाना मुझे अच्छा आता है। मुझे खाना भी अच्छा आता है, सिलाई भी आती है ना, मशीन भी चला लेती हूँ, अपने काम में सारे कर लेती हूँ। खैर यहाँ से जरा देखें, ये तो चावलों को कलर बहुत अच्छा है, जब बॉयल हो जाएंगे तो। ये ताबीज़ किसका पहना है, किसको अपने काबू में करना है? मैंने मैंने अपने अल्लाह को सीने से लगाया। अरे सीने से लगाया है, कह रही मैंने अपने अल्लाह को सीने से लगाया है। खैर अम्मी पता नहीं घुस के क्या ढूंढ रही है, मैं क्या देख रही है? मैं नहीं, क्यों अजाब है? यहाँ पे सब सही, जो घर की चीजें दिखानी चाहिए। खैर यहाँ पे हमारे इसी तरह बर्तन पड़े होते हैं, यहाँ पे हमारे इस तरह डब्बे पड़े होते हैं। आपको तो हमारे डब्बों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, लेना देना बड़ा हो रहा होता है। ये किचन हम इस्तेमाल नहीं करते, अम्मी निकाल रही है। बिरयानी आ गई, खोलेंगे नहीं ठंडी हो जाएगी। बाकी की बातें बाद में करेंगे। मेरी गवाही देने वाली अम्मी है, बहुत अच्छा बनाती है। बात बता के हट हरा में काम नहीं करते, इतने प्यारे प्यारे लोग जब काम करने वाले मुझे पास है, मुझे खाना मिल जाता है, मुझे सब कुछ मिल जाता है, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की? नहीं नहीं जरूरत है, फिर ये नहीं नहीं जरूरत है। ये तो माँ है तो जरूरत नहीं है ना, जब दूसरे घर जाओगी फिर तो अल्लाह करे वो भी ऐसा घर मिलेगी। साहिबा है वो खुद से करके, तो जरूरत तो नहीं है ना करने की। पॉइंट डबल पॉइंट है। चल यहाँ से चले जी, बाकी की बातें करेंगे। अब मैं जा रही हूँ कमरे में, और वो सामने छोटी सो रही है, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। और वो बाहर लाइटें लगी हुई है, लाइटें बड़ी प्यारी लगी हुई, दिखाती हूँ। अब रात को जब जलेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। अच्छा ये मेरी मम्मा, देखिए मेरी मम्मा कितनी हसीन लग रही हैं। ये हमारी छोटी सी, ये मोहम्मद अली हमारे प्यारे से, ये अहमद रजा, ये भी मेरी मम्मा, ये भी मम्मा, ये मेरी मम्मा पापा दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी नानी, और ये हम सबका बचपन प्यारा प्यारा सा भाई है। मैं हूँ, सायमा है, और साथ में मैं हूँ। हम सब इसी तरह से एक फोल्डर हमने बना दिया है, छोटा सा जूती का रैक ये पड़ा जहाँ पे हम लोग अभी जूती रखते हैं। खैर ये सारी यहाँ पे देखें लाइट्स हो चुकी हैं, बाहर में जब चलती है लाइट्स तो मैं रात को दिखाऊंगी, क्योंकि कल के बाद ये लाइटें उतर जाएंगी, चार दिन से जल रही थी। तो खैर बड़े मज़े का व्यू लगता है, इसलिए अंदर चलते हैं। बेइंतहा गर्मी है, बाकी की बातें बाद में होंगी, रात में होंगी। अल्लाह हाफिज़।